नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। इंडोनेशिया के पापुआ में प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान वायुसेना के विमान दुर्घटनाग्रस्त, 13 लोगों की मौत, कई घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को बताया चोर, कहा अब अपने ही पास रख ले चुराया हुआ ड्रोन, दक्षिण चीन सागर में चीन ने जब्त कर लिया था अमेरिकी ड्रोन। पाकिस्तान में फिर दिखाई जाएंगी भारतीय फिल्में, आर्थिक तंगहाली से परेशान सिनेमाघर मालिकों के संघ ने की घोषणा, उरी हमले के बाद से पाक में रोक दी गई थी भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग। निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रूस पर लगाया आरोप, कहा साइबर हमले के पीछे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हाथ, इस मामले पर डोनाल्ड ट्रंप लेंगे सख्त फैसला। चीन ने अदन की खाड़ी में अनुरक्षण जहाजी बेड़ा भेजा, साल 2008 के बाद पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ओर से भेजा गया 25वां जहाजी बेड़ा। बेड़े में दो मिसाइल, फ्रिगेट, आपूर्ति जहाज, शिप बार्न हेलीकॉप्टर और एक दर्जन विशेष सैनिक शामिल। और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने कार बम विस्फोट के लिए कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के आतंकियों को ठहराया जिम्मेदार, हमले में 13 जवानों की हुई थी मौत, सैनिकों की बस को बनाया गया था निशाना। ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।